गार्डनिंग का भी शौक है, आपने वो भी अच्छी चीज लिखी होगी। और एक और नया वीडियो आने लगा है गार्डनिंग के ऊपर, इवन मैंने सारा भी सीखा है, दर्शन से पूछ के जो आपके माली लोग होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली। वीडियो में जो रेंडरिंग पार्ट है क्रॉप करना उसकी, वो मेरा बेटा उसकी एक्सपर्टीज है, अभी फर्स्ट ईयर में हुआ है तो वो करता है। अभी रात भी उसने सुबह एक फजर के टाइम में अपलोड करके आया, मैं रिकॉर्डिंग करके उसको दे देता हूँ, वो रात उसको रेंडरिंग पे सेटिंग करके लगा देता है, सुबह फजर के टाइम उठता हूँ हो गया उसको अपलोड कर देता हूँ। वो रेंडरिंग 4-5 घंटे का प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है। हमारी नंबर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और मैं गार्डनिंग में मैथमेटिक्स को लेके आया हूँ। आपको वो मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे, मैंने जो अपना छोटा छोटा सा लॉन किया थोड़ा सा पार्ट है जिसको मैंने डेकोरेट किया, उसको मैंने मैथमेटिकल शेप सर्कल्स रेक्टेंगल्स और पेबल्स होते पत्थर उनसे, और उसमें कितनी मेहनत है आपको पता चल जाएगा। मुझे 15 डेज लगे उसके पत्थर मैंने खुद लगाए, मैं वो मैसन नहीं लेकिन सारा काम मैंने सीमेंट के साथ और उसकी डिजाइनिंग करने के साथ, उसकी क्यारी मैंने माली से बनवाई थी जो मिट्टी की होती है, उसकी बाउंड्री वॉल्स और डिजाइनिंग मैंने खुद की है। और पेबल्स पे वीकेंड पे रात को आपके एजुकेशन चैनल को देखता हूँ और दिन के टाइम वो पेबल्स लगा रहा हूँ, और फजर के टाइम ताकि जो मेरे नेबर्स हैं वो ये ना कहें कि ये, वो समझते हैं कि ये प्रोफेसर है, वो कहेंगे ये प्रोफेसर को क्या हुआ लेसन का काम कर रहे हैं। तो फजर के टाइम उठ के जब लोग उठते हैं उस वक्त तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। और फिर नेक्स्ट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी भी आर्ट है, आपने जो उसका व्यू लेना होता है ना, जो इसको पिक्चर लेना होती है, तो वो भी मैं ऐसे टाइम पे करता हूँ जब मुझे कोई देख ना रहा हो, क्योंकि उसमें मैंने ये एक इंडियन चैनल था वहां से फोटोग्राफी की सर्विस ली और वो एंगल्स पता क्या कर रहे थे, लाइटिंग एंगल, इवन ट्रीज पे चढ़ के उल्टा होके देखने व्यू कौन सा बन रहा है। तो मैं एक सीढ़ी होती है वो लगा के उसका अपर व्यू, इवन मैं टॉप फ्लोर पे जाके वो एंगल देखता हूँ, जो उसमें से आधे घंटे में सिलेक्शन होती है कि ये व्यू ठीक है, तब जाके पिक्चर बनती है। वैसे वीकेंड में थोड़ा सा कम सोता हूँ, वैसे नॉर्मली हाँ मगरब की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता हूँ, मगरब की नमाज, और मैं 9-10 o'clock पे उठता हूँ, फिर ईशा की नमाज पढ़ी और फिर अपना वही सेशन शुरू, फिर 2-2 बजे ये सिर्फ वीकेंड की बात, वैसे नॉर्मली 5-6 घंटे की कर लेता हूँ। X2 सारे वेरिएबल्स आप बता दें, S1 S2 S3 लाइफ को ना, ये भी ये बर्डन है, एंजॉय है, ये एंजॉयमेंट है कि आपको नजर आ रहा है कि आप इसको एंजॉय करते हो। और मैंने ऐसी वो पिक्चर्स मैंने वो पिक्चर मुझे नहीं पता था, मैंने अपने फेसबुक पे लगाए जो मेरे फ्रेंड्स थे साइन लोग 100 लाइक साइन से, एक ग्रुप है ऑर्गेनिक वो सेंस को समझते हैं कि गार्डनिंग को, मैंने उस ग्रुप का भी मेंबर, मैंने उस ग्रुप में अपलोड की, 2 दिन के अंदर 600 लाइक्स और 300 कमेंट्स, और मुझे वो पूछ रहे हैं, आंटी हैं नॉर्मली कोई पिंडी से है, कोई चीचा वर्मी से कराची से, और मुझे पूछ रहे हैं कि ये डिजाइनिंग, वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे सिटी में होते तो हम आपसे डिजाइनिंग कम अज कम बनवा लें, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आईडी किसका, फेसबुक का, अमजद अली अमजद शायर आना नहीं। और वो ग्रुप है आई थिंक ऑर्गेनिक गार्डनिंग, इसको ज्वाइन किया जी, 2 इक्वेशंस कम अज कम आ जाएंगे यार आज, आज हम दोनों को सॉल्व करते हैं। ये जिन लोगों ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है वो सुन लें, अगर आपकी ऑन कैंपस क्लास है तो फिर आपकी प्रेजेंट होगी, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं होगी। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम इधर ले लेते हैं क्योंकि उसी से हमने टेबल के अंदर देखे आने, आई थिंक मुझे तो याद है z-5x1 x-4x2 = 0, आप इस कंस्ट्रेंट्स की x1
प्लस 4x को देखें, मुझे भी याद रखनी है टाइम सेव होते हैं और आपको यहां पे थोड़ा सा हमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखनी पड़ेगी शेप ये इस तरह से लेनी होगी 6x1 थोड़ा स्मॉल भी लिख रहा हूं 4x2 प्लस s1 अभी तक ही लिखते x1 प्लस 2x2 प्लस s2 माइनस x1 प्लस x2 प्लस s3 x2 प्लस s4 आई थिंक ये 2 था ये 1 6 24 और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 प्लस s1 s2 s3 s4 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फर्स्ट हमने क्या किया था इसको मैट्रिक्स के अंदर लिया था और हमने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाया ये स्टार्टिंग सॉल्यूशन होगा एक तो इसका नाम है स्टार्टिंग दूसरा इसको हम कहेंगे बेसिक बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं नॉन जीरो वैल्यूज के साथ तो हमने इन बेसिक वेरिएबल्स इधर रखे और नॉन जीरो वैल्यूज की साइड में तो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल फिजिबल किसको कहते हैं जो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में तो जाहिर है आपका नेगेटिव ये कंडीशन इमीडिएट उसको करेगी जो फिजिबल तो स्टार्टिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो हम कंस्ट्रक्ट करने लगे इसके कोएफिशिएंट्स अब बेसिक सेक्शन इधर ले फार्मूला ये है इनिशियली आपने अपने डिसीजन वेरिएबल्स को इनिशियली नॉन बेसिक बनाना है उलट चल हालांकि वही वेरिएबल्स आपके बेसिक होने चाहिए और एंड पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 और x2 की वैल्यूज ही होगी ना x1 और x2 की वैल्यूज ही आपकी एक तो ये प्रॉब्लम करते हैं आपकी x1 और x2 की वैल्यूज ही एक्चुअल है लेकिन आप क्या कर रहे हो इस सिंपलेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट है सिंपलेक्स मेथड और मैंने कहा था ये सेंचुरी एल्गोरिथम सेंचुरी का बेस्ट एल्गोरिथम तो आपने इनिशियली डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक बनाना है जीरो अज्यूम करना है ये फर्स्ट आइटरेशन की रिक्वायरमेंट हर दफा जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी मॉडल हो आपने डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उसको नॉन बेसिक बनाना है जीरो जब आप जीरो पुट कर रहे तो आपके पास वैल्यूज की आएंगी जीरो जीरो s1 इक्वल टू 24 ये जो आपका s1 इक्वल टू 24 है ये वेरिएबल बेसिक है क्यों जीरो नहीं है 24 है नॉन बेसिक वो होता है जिसकी वैल्यू जीरो सर और बेसिक कौन सा जो नॉन जीरो तो इट मींस आपका स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा जीरो जीरो एस वन इक्वल टू 24 आप बेसिक वेरिएबल लिख देंगे एस वन सॉल्यूशन इसका क्या है एस वन इक्वल टू 24 देन जीरो जीरो पूरे मॉडल के अंदर आपने एक्स वन और एक्स टू को जीरो पुट कर दिया जीरो जीरो एस टू इक्वल टू 6 S3 equal to S4 जी अब मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स से मुझे आता है मुझे तकरीबन मैथमेटिक्स का दौरा 3-4 साल पहले पढ़ा मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है मैंने कैलकुलस सीखी कैलकुलस और कैलकुलस अभी 2 लेक्चर्स आ रहे हैं और उसमें कर्व स्केचिंग के ऊपर आप दूसरा यूट्यूब पे देख लीजिएगा क्योंकि जो नया जो देखें जो बाय बर्थ मुस्लिम होता है ना वो शायद इतना अच्छा मुस्लिम नहीं होता और जो कन्वर्ट होके आता है वो बड़ा अच्छा इसी तरह आपके जो मैथमेटिक्स के टीचर होंगे यूट्यूब पे कर्व स्केचिंग देखिएगा वो बाय बर्थ मुस्लिम वाली एग्जाम्पल और जो कन्वर्ट होके आया यानी मैं कंप्यूटर साइंस से मैथ्स से कन्वर्ट होके गया मेरी मैथमेटिक्स में वो लेक्चर देखिएगा और उधर भी देखिएगा आपको बहुत डिफरेंस क्लियर होगा तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैं उसकी हिडन चीजों को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो आप इंजॉय करोगे अगर कोई कैलकुलस तो होता है ना आपका कर्व स्केचिंग भी आप मुझे फीडबैक दीजिएगा जब वो मैं आपको अगर बेल आइकन ऑन किया अभी किसी ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा आज सर वो लिंक क्या जवाब
subscription? ETIS. Everything is free. अच्छा अब वापस आ जाते हैं कि ये आपका बेसिक सॉल्यूशन और इसमें ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स आपको इधर नजर आ रहे हैं। अब फ्यूचर में इन्होंने जगह नहीं चेंज करनी क्योंकि कॉलम तो ऐसे चलेगा फिक्स है। ये वेरिएबल्स चेंज होंगे, ये वेरिएबल देखिए सब्सक्रिप्शन एक और चीज है, आपने सब्सक्राइब किया ना, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अननोन सब्सक्राइबर था उसका नहीं, क्यों व्यूज और वॉच आपने करने उसकी वेट उसमें मोनेटाइजिंग आ रही। इसको अगर आप इधर प्लेस करेंगे इनिशियली आपके पास ये सोल्यूशन है और जो इस बेसिक सेक्शन में नजर नहीं आ रहा वो भी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन सिर्फ ये जो इधर नहीं है उसकी वैल्यू जीरो, जो मौजूद है उसकी वैल्यू सी, बस इतना फर्क। तो आपके सिक्स वेरिएबल्स है टोटल, उधर से देख सकते हैं और बेसिक कौन सी ये वाली नॉन जीरो वैल्यूज, और जो मिसिंग है वो नॉन बेसिक है उनकी वैल्यूज आप कहेंगे एक्स वन और एक्स टू, इस करंट सिनेरियो में जीरो नॉन बेसिक, और ये चेंज होते रहेंगे अगली आइटरेशन में, लेकिन ये कॉलम फिक्स्ड ही रहेगी। आपने पूरे ऑपरेशन में बड़ी चीजें आनी है, चेंजेस होनी है, तो आपको पता चलेगा अगर जीरो होगा तो क्या होगा, वो भी हम करेंगे। तो इधर जीरो लिख देंगे और उसमें होगा ये ऐसा बेसिक वेरिएबल है, बाय डेफिनेशन ये बेसिक है, लेकिन जीरो वैल्यू के साथ जो कि नॉन बेसिक का बिहेवियर है, यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ये स्पेशल केस है और स्पेशल केस में इसको हम एंटर करें, ये सिचुएशन आएगी। तो अभी मैंने ग्राफिकल मेथड को पोस्टपोन किया हुआ है, मैंने कहा था फोर स्पेशल केसेस आनी है, मैं इस केसेस में जैसे स्पेशल केसेस पे आऊंगा वो साथ कंप्लीट कर। अच्छा आप क्वेश्चन आपकी क्लास में अच्छे होते हैं तो उससे पता चलता है कुछ लोग इंटरेस्टेड है। अब ये जीरो और बाकी आपने कहा स्टेट सेक्शन, तो जीरो के लिए ये कोएफिशिएंट आ जाएगा माइनस वन माइनस फोर, और बाकी जो मिसिंग है वो कोएफिशिएंट्स के जीरो, और सॉल्यूशन क्या है जीरो, यानी जी की वैल्यू इनिशियली जीरो है। अब ऑब्जेक्ट आपने सपोज किया था एक्स वन जीरो एक्स टू जीरो, सी में पुट करेंगे तो जी क्या आएगा जीरो ही आएगा, तो इसका मतलब है आप हमेशा आपने जीरो जीरो सॉल्यूशन से मूव करने और जीरो प्रॉफिट से चलने, और आप अगर अपना मैं साथ वो भी बता दूं ग्राफ को साथ साथ हम देखेंगे कि हम सिंप्लेक्स मेथड एक्चुअली रहते हैं ये कॉर्नर्स, तो ग्राफिकल सिंप्लेक्स मेथड ये आपको सिंप्लेक्स मेथड से पहले ग्राफिकल मेथड था ना, ऑल कॉर्नर पॉइंट्स को आप जी को देखते हुए उस पॉइंट को देख लेते थे ऑप्टिमल कौन सा, लेकिन इधर आपने कोई सिस्टमैटिक वे लेने हैं ये सब एक्चुअल आपका ऑप्टिमल था। एक्स वन थ्री टन्स एक्स टू 1.5 टन्स ये आपका एक्चुअल ऑप्टिमल था, तो सिंप्लेक्स मेथड आपको ये पॉइंट उसने इनिशियल ले लिया 0 0 एक्स वन एक्स टू की बात कर 0 0 और फिर इंटेलिजेंट वेव में नेक्स्ट पॉइंट अगली आइटरेशन में ये जो नया सॉल्यूशन आएगा वो ये पॉइंट है और उससे अगली आइटरेशन में आपको ये पॉइंट आएगा, तो कितनी आइटरेशन, एक आइटरेशन ये इनिशियल, ये दूसरी आइटरेशन, तीसरी आइटरेशन में ये प्रॉब्लम आपके ऑप्टिमल को फाइंड आउट कर ले। तो ग्राफिकल मेथड से भी एक स्टेप आगे गए, आप इधर से जाके भी इसको ढूंढ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर गलती से कोई इधर जाएगा तो उसको भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ये आइटरेशन इनिशियल, नेक्स्ट आइटरेशन टू हो गई, थ्री फोर फिफ्थ आइटरेशन में जाके ऑप्टिमल मिलेगा, जबकि सिंप्लेक्स के अगर रूल्स को फॉलो करें तो ये पहली आइटरेशन इनिशियल वन सॉरी टू थ्री, थ्री आइटरेशन में आप पहुंच जाएंगे, तो ये सिंप्लेक्स की अचीवमेंट है। और यहाँ पे तो अभी कॉर्नर पॉइंट सिक्स है, अगर 100 कॉर्नर पॉइंट्स हो तो सिंप्लेक्स सेकंड स्टेप पे भी उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं सेकंड आइटरेशन, तो ये इसकी ब्यूटी है सिंप्लेक्स। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, ऑल इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होते हैं आपके उसमें से ऑप्टिमल को ढूंढना इतना इजी टास्क तो नहीं है जो हम सिंप्लेक्स के लिए कर रहे जी। ये कंस्ट्रेंट्स आपकी मुझे दिखवा दीजिएगा, आप इसको फिल कर लें, कॉलम वाइज फिल कर लें, ऐसे कर लें, बात एक ही है, मैं सिक्स अंडर एक्स वन फोर ये वन जीरो जीरो जीरो, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, वन माइनस वन ये जीरो ऐसे भी फिल कर सकते हैं, फोर
1 x2 का 1 1 0 0 0 1 और फिर जीरो है और आइटरेशन सेट सेम ऊपर वाली टाइप है, वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं, वो ऊपर ही नजर आ रहे हैं, वो एक ही दफे लिख रहे हैं। आई थिंक स्टार्टिंग आइटरेशन सब लिख लिया। अब हमने देखें हमारा x1 क्या है, 0, x2 0, दोनों के नॉन जीरो वैल्यूज रिक्वायर्ड है, तो इट मींस आपके एडिशन इधर जो मिसिंग है ना x1 x2 इस सेक्शन में आपने वो लेके आने, लेके आएंगे तो बेसिक बने, बेसिक बनेंगे तो वैल्यूज आएंगे, और आपको पता है इनकी वैल्यूज x1 की 3 टर्न्स है और x2 की 1.5 टर्न्स, तो आपको ये पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये आपने इनिशियली जो नॉन बेसिक बनाए हैं आपके सिस्टम में वो आनी चाहिए, ये सिस्टम है बेसिक वेरिएबल्स। तो रूल क्या है, आप वन बाय वन उनको इस सेक्शन में x1 या x2 को एंटर कर लो, जाहिर है ये तो सब वेरिएबल्स के लिए फिक्स्ड है, इधर तो चेंजिंग नहीं होगी, इधर चेंजिंग होगी कि एक अगर वेरिएबल लेके आ रहे तो एक वेरिएबल लीव करना है उसकी किसी जगह पे वो लेगा ना। देखिए मैं अगर x1 को इधर सिस्टम में लेके आता हूं किसी जगह पे, जिसकी जगह पे लेके आएंगे उसको बाहर निकाल तो मेरा न्यू बेसिक बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने दो डिसीजंस लेने, एक एंट्रिंग वेरिएबल कौन सा होगा ये आपके पास सिस्टम एंट्रिंग, और लिविंग कौन सा होगा इसका डिसीजन लेंगे फिर अगली कैलकुलेशन। तो दो डिसीजंस होंगे आप इनमें से इस किसने एंटर होना है इस साइड पे और किसने लीव होना है जिसकी जगह पे उसने आने, ये ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए रूल क्या है, ये जो जी हाँ उससे पहले एक चीज और नोट करवाई थी मैंने, उसको पहले देख लेती हूँ। ये जो बेसिक वेरिएबल है इसकी इनके अंदर कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये बात हमने की थी। दूसरा ये जो बेसिक वेरिएबल्स है इसके कोएफिशिएंट्स z में जीरोस होने चाहिए, ये इसके कोएफिशिएंट ये जीरो लेकिन इसके अंदर जीरो जीरो से, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि इसके कोएफिशिएंट्स z रो के अंदर जीरोस और इनके अंदर कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चीज। और दूसरा जो इधर मिसिंग है उनके लिए ऊपर भी कंडीशन है, मिसिंग कौन से x1 x2 जो कि नॉन बेसिक है, नॉन बेसिक जीरो में नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है, बेसिक जीरो से कौन से रह गए, नॉन बेसिक नॉन जीरो होने चाहिए, ये भी साथ कंडीशन मीट कर। तो एक ही दफा इतनी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन जब आपको याद हो जाएंगी सेम वही चलेंगी आप। फर्स्ट टाइम जब आप सुन रहे हैं हो सकता है आपको लगेगा कि इतनी चीजें इकट्ठी हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें आपको याद हो जाएगी इतनी दफा, ये पूरे सब्जेक्ट में हम इसको इतना यूज कर रहे हैं फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। अगर आपको नहीं लगता जब फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, मैं 3-4 लेक्चर्स के बाद आपसे खुद से पूछूंगा, आपसे खुद से पूछूंगा कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखे कि आपको मेमोराइज हो जाएंगी, आप यस ही आंसर आएगा आपके पास। जी मैं फिर से कहता हूँ ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन बेसिक वेरिएबल्स को जीरो के अंदर देखें तो इनके कोएफिशिएंट जीरोस। अब बेसिक वेरिएबल्स जो इसमें मिसिंग है वो बेसिक वेरिएबल्स उनके कोएफिशिएंट जीरो के अंदर नॉन जीरो होंगे, इट इज क्लियर। ये चीज आगे आपको हेल्प करेगी और हर इटरेशन में आपने देखना है ये लीड कर रही है नहीं कर रही। एंटरिंग वेरिएबल का डिसीजन लेना है, सबसे पहले इन सेट में हम देखेंगे किस वेरिएबल ने किस सेक्शन में एंटर हो, और उसके लिए रूल क्या है, ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन में रूल ये है आपके जीरो में
जो मोस्ट नेगेटिव है उस वेरिएबल में एंटर होगी। तो कौन सा वेरिएबल एंटर होगा? मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट मैंने एक नेगेटिव अलग से कहा, मोस्ट अलग से कहा, मीन माइनस साइन के साथ जो मैग्नीट्यूड जिसकी ग्रेटर है वो मोस्ट नेगेटिव होगा। कौन सा होगा? एक्स वन। तो इट मीन्स स्टार पे आप होगी, इसको एक एरर लगा दो जिसने एंटर होने, इसका मतलब एक्स वन ने अगली एडिशन में इस सेक्शन के अंदर आना डिसाइड कर लिया और आपने कहा इसको लेके आ। अगर आप इसको ले लें फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वही बात है। मोस्ट नेगेटिव को लेंगे तो ये बात मैंने आपको कहा था ना, ग्राफिकल मेथड मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, यहां से मैं आपको कन्विंस कर सकूंगा कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ सिंप्लेक्स के असल में एक्चुअली बिहाइंड द स्क्रीन क्या मीनिंग है। तो जब मैं मोस्ट नेगेटिव कह रहा हूँ तो ये है कि आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हो, और अगर मैं मोस्ट नेगेटिव कोई भी नेगेटिव को ले लूं, लेना नेगेटिव को है, और कब तक ले लें कि अगली कैलकुलेशन में इनके साइन चेंज होते रहेंगे, ये कब तक प्रॉब्लम चलेगा? जब तक जीरो के अंदर नेगेटिव वाले कोएफिशिएंट खत्म ना हो जाए, यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट ना हो जाए, आप स्टॉप कर दो। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपका ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। मैं एक और कहता हूँ, हम इस टेस्ट को कहते हैं जो एंट्रिंग का डिसीजन ले रहे हैं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ये जो एंट्रिंग हम वेरिएबल का डिसीजन लेते हैं इसको हम कहते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट ये है कि तब आपका ये सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा अगर इधर सारे के सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव साइन के साथ, या तो जीरो होंगे कुछ, वो तो आपको पता है कौन से जीरो होंगे, जो नॉन जीरो होंगे वो पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स के साथ होंगे, तो ये आप स्टॉप कर दे, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। अगर कोई नेगेटिव एग्जिस्ट करता है इट मींस ऑप्टिमैलिटी टेस्ट ने क्या बताया? ऑप्टिमल नहीं है। तो इट मींस हमारे पास अभी सॉल्यूशन कौन सा है? जीरो जीरो, जो इसमें मिसिंग है वही आपका सॉल्यूशन है ना। इस नेगेटिव ने बताया ये ऑप्टिमल नहीं है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट ने ऑप्टिमैलिटी के लिए इसको फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस कैलकुलेशन में हम एंट्रिंग करके नए सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगे, नए पॉइंट की तरफ। तो रूल बताया मोस्ट नेगेटिव को आपने एंट्रिंग करने, पर मैंने कहा अगर आप इसको भी कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऑप्टिमैलिटी पॉइंट आएगा, लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? उस सिंप्लेक्स मेथड के रूल की वायलेशन कर रहा है। सिंप्लेक्स कह रहा है कि एफिशिएंट सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स मेथड है ही एफिशिएंट एल्गोरिथम, तो आप उसकी एफिशिएंसी से फायदा नहीं उठा रहे, आंसर आ गया। चीज क्लियर? एक और कन्विंस करने के लिए, ये मोस्ट नेगेटिव क्यों एंटर कर रहे हैं और क्यों जल्दी से इस तक पहुंच रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए मैंने लिखा है ना, एक्चुअल है क्या? मैक्स z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, ये एक्चुअल थी ना ऑब्जेक्टिव, ये तो हमने सॉल्व करने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके कर ऐसा एक्चुअल ये थी। अब देखिए एक वेरिएबल है जिसका प्रॉफिट $5,000 है, ये वेरिएबल है जिसका प्रॉफिट $4,000। प्रॉफिट किसका ज्यादा है? 5। सिंप्लेक्स मेथड कह रहा है जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उसको एंटर करो सबसे पहले ताकि ज्यादा प्रॉफिट की तरफ जाओ। तो ये भी ये मोस्ट नेगेटिव है, क्योंकि जो प्रॉफिट ग्रेटर प्रॉफिट है स्टैंडर्ड में वो -5 के साथ नजर आ रहा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में आप उधर लेके जाते हो। मैं इधर भी -5 मींस आप इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए, अदरवाइज ये 5 का पूछो तो आप कहेंगे ये तो एक्सटीरियर पेंट है ना एक्स1, तो आप कहेंगे ये एक्सटीरियर पेंट का यूनिट प्रॉफिट है, और क्या है? $5,000 यानी 5। तो आपको अगर इधर भी देखने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म है, अदरवाइज ये +5 है, ये 4 प्लस है, तो ये देखने मैंने हमको दिखा दिया। इट मीन्स ये जो मैं अक्सर वाइवा में क्वेश्चन करता हूँ कि मोस्ट नेगेटिव को ही एंटर क्यों करते हैं, रीजन बता। तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, नहीं उसका बेसिक जो उसका एक्चुअल आंसर वो ये है कि आप उस वेरिएबल को पहले एंटरिंग करोगे जिसका प्रॉफिट ज्यादा हो। हर ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है कि उसको जो जिसका प्रॉफिट ज्यादा पहले उसको कि इसको देखते हैं, इसको पहले एंटरटेन करते हैं, फॉलो कर रहे हैं पॉइंट। तो इसका आंसर यही बनेगा। तो जो मोस्ट नेगेटिव मीन्स ये मैक्सिमाइजेशन के केस में, अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन होगा तो रूल चेंज हो जाएगा, उसमें आपको इधर प्लस नजर आएंगे, और मोस्ट पॉजिटिव एंटर करने आपने जब वो प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम वो सॉल्व करेंगे, 4 लेक्चर्स तो इसमें लग जाएंगे, नेक्स्ट वो सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो मिनिमाइजेशन के रूल्स उस वक्त एड्रेस कर लेंगे, तो इसको रहने देंगे।
बस एक दफा बता दिया कि वहां ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा और सारे पॉजिटिव पे एंड हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में कब एंड होना है, जब जीरो के अंदर ये नेगेटिव कोएफिशिएंट्स वाले नेगेटिव कोएफिशिएंट पे। जी बेटा एक बात पूछनी थी कि आपने कहा कि जिसमें मोस्ट प्रॉफिट होगा हम उससे पहले लेंगे, तो अगर इस क्वेश्चन में स्टार्ट में ही जो 5 है वो माइनस हो और 4 भी माइनस हो, तो उस सिचुएशन में तो 4 ग्रेटर होगा, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम उसे जेड की साइड पे लेके जाएंगे तो 5 बड़ा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया, जरा मेरी बात सुनो। अगर आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये नेगेटिव होंगे, पहली बात मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है कि नेगेटिव नहीं होंगे, पहला क्वेश्चन कि ये नेगेटिव नहीं होंगे, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में इक्वेशन में माइनस, आप तो माइनस करके अपने प्रॉफिट कम डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट तो ऐड ही होना चाहिए। एक बार फर्ज करें मैं कोई इंटरमीडिएट स्टेज लेता हूँ और कहता हूँ ये सिचुएशन है, मान लिया नेगेटिव में है तो वो इधर आके प्लस में आ जाएंगे, तो इट मीन जब मैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाऊंगा तो इनिशियली ही ऑप्टिमल आंसर है। ऑप्टिमलिटी क्या है, कब हम स्टॉप करेंगे, जब आपके क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे, और आपने कहा इधर माइनस तो आपका इनिशियली इधर प्लस आ जाएगा और वही प्लस इधर मिलेगा, तो इसका मतलब है ऑप्टिमलिटी टेस्ट ने आपको कह दिया कि आप ऑप्टिमल आंसर, स्टार्टिंग सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जी क्लियर है आपका गोल? ओके थैंक यू सर। तलहा तो क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब मैंने रीजन बता दी एंट्री, एंट्री का बहुत सिंपल है, मैक्सिमाइजेशन में मोस्ट नेगेटिव एंट्री, लिविंग का डिसीजन है कौन सा वेरिएबल लीव, जाहिर किस टैक्स में किसी की जगह पे आना है, लीव करना है, तो लीव कौन सा, उसके लिए रूल ये है जैसे ही एंट्री का डिसीजन आया इस कॉलम को मार्क कर, ये एंट्री वेरिएबल डिसीजन है ना, तो इसको हम पिवोटल कॉलम कहते हैं, इस कॉलम का एक नेम आ जाएगा पिवोटल कॉलम, पिवट यानी पिवोटल कॉलम। तो मैं आप ये कह सकता हूं एंट्री पे ये मार्क कर दो। अब लिविंग रो देखना है कौन सी लीव किसने करनी, और उसके लिए रूल ये है ये जो पिवोटल कॉलम है सॉल्यूशन कॉलम और पिवोटल की रेशियो लेंगे, नहीं अभी एक और कॉलम बना ले रेशियो, ये मैं स्केल लेके आया, प्रीवियस क्लास में मेरी ड्राइंग बड़ी खराब थी तो मैंने कहा स्केल से जरा ज्यादा नीट हो गया, और तो केड़ा पिवट है रेशियो बता क्या होती है, आपने ये सॉल्यूशन कॉलम, इस सॉल्यूशन कॉलम को इस ये कॉलम से डिवाइड करना है, तो रेस्पेक्टिव एंट्रीज 20 को डिवाइडेड बाय 6, यानी ये कॉलम और इन दोनों की रेशियो ले 24:6। आप मुझसे आगे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये रेशियो क्या है, और मैंने कहा था मैं हर चीज को आंसर करूंगा और ग्राफिकल मेथड से मैं आपको बताऊंगा ये हम रेशियो है क्या एक्चुअल, तो अभी हम उसको डिटेल में नहीं करते, अगले सेशन में जाके हम थोड़ा सा ये मैच्योर हो जाए, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर रेशियो की तरफ आ जाएंगे कि रेशियो एक्चुअली क्यों ले रहे हैं, लिविंग में कैसे हेल्पफुल है, आपका क्वेश्चन तो बनता है, तो उसको हम एड्रेस बाद में करेंगे। इसको क्या करें, सेकेंड रो में 6 डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा 4 1 सॉरी 6 रिकॉर्डिंग भी है, आपने बाद में पता नहीं देखते या नहीं देखते, मैं तो इस वीडियो पर देखते हैं आपके लेक्चर भी, मैंने अब मूडल पे भी वर्क करना शुरू कर दिया, आपको हर लेक्चर टाइटल के साथ मिलेगा, पहले ये प्रॉब्लम था कि आपको LMS पे आप देख लेते थे उसमें आपको ये नहीं पता चलता ये कौन सा लेक्चर है, मैं आप टाइटल डेट दूंगा टाइटल दूंगा ताकि आपके पास एक पूरी लाइब्रेरी बन जाए आपके पास, ताकि आप आसानी से किसी भी टाइम किसी को क्लिक करो ओपन करके नहीं देखना टाइटल बताएगा ये लेक्चर, तो आपको मूडल बड़ा एफिशिएंट वे में इंशाल्लाह 4
6 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 6, 1 डिवाइड बाय माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, 2 डिवाइड बाय 0 इक्वल टू इंफिनिटी। अब एक और चीज है, हमें इंटरेस्ट है मिनिमम रेशियो से, वो जिसकी रेशियो मिनिमम है वो लिविंग वेरिएबल हो, यानी वो रो। तो अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम को ही लिविंग क्यों लेते हैं, इसको भी पेंडिंग रखते हैं। ग्राफिकल मेथड से मैं आपको दोनों पॉइंट्स को एड्रेस कर दूंगा कि रेशियो क्यों हेल्पफुल है और मिनिमम रेशियो ही क्यों ले रहे हैं। तो दो क्वेश्चन को पेंडिंग करते हैं, ये 2-3 लेक्चर्स के बाद जैसे ही मैच्योर हो जाएगा फिर आप टीचर को बताएं किस टाइम पे आपको उसको आंसर करना है। तो इसमें उसको मिनिमम रेशियो किसमें, एक और पॉइंट जिसको एड्रेस करेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू, नेगेटिव रेशियो और इंफिनिटी वाली रेशियो को इग्नोर कर दे रहे हैं, इसको इस कंपैरिजन में नहीं लेके आ। ऑलवेज कौन सी, ये नेगेटिव रेशियो इग्नोर इट, इंफिनिटी इग्नोर, और मैं आपको ग्राफ के जरिए बताऊंगा क्यों इग्नोर कर। आपको ग्राफिकल मेथड इतना टाइम लगा है तो आपको तब इसकी हर एक का आंसर मिले। अब जो रेशियो पॉजिटिव है 4 और 6 कौन सी होगी, मिनिमम ये ऐसे पॉइंट होगा एक रेशियो। अब कौन सी रो सिलेक्टेड, पिवोटल रो, पिवोटल कॉलम, अब पिवोटल रो, और पिवोटल कॉलम कौन सा है, सॉरी पिवोटल एलिमेंट 6, पिवोटल कॉलम और पिवोटल रो का इंटरसेक्शन वो है आपका डिफरेंट कलर देना चाहिए, चलिए कलर चाहिए। हर दफा ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले ऑप्टिमेलिटी टेस्ट लगानी, ऑप्टिमेलिटी टेस्ट बताएगा कि ऑप्टिमल है या नहीं। आपने देखा नेगेटिव वैल्यूज है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ऑप्टिमेलिटी अभी अचीव नहीं, क्या करेंगे, एंटरिंग द सीन, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग वेरिएबल मार्क कर लें पिवोटल कॉलम। पिवोटल कॉलम आया तो रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इसकी और सॉल्यूशन वैल्यू की रेशियो लेनी होती है। तो पिवोटल कॉलम पहले लेके फिर उसकी रेशियो लेंगे, और नेगेटिव इनफिनिटी इग्नोर करके जो दूसरी पॉजिटिव रेशियोज होंगी उसमें से मिनिमम रेशियो आपका लीव कौन सा वेरिएबल करेगा, एस वन, एक्स वन को एंटर करना था और हम डिसाइड कर रहे थे किसको लीव करना है, तो वो मिनिमम रेशियो वाला वेरिएबल कौन सा है जिसमें जिस रो में रेशियो मिनिमम है वो एस वन, एस वन मैं कह सकता हूँ, एस वन रो, इनको नेम भी दे सकते हैं, एस टू रो, एस थ्री रो, तो कौन सा मिनिमम है लीव कर कौन सा करें, एस, इट मींस आप उधर रखने आपका लीव करें। अब अगले सेक्शन में मैं समरी लिख सकता हूं, इस सेक्शन में क्या होगा, एक्स वन एंटर्स, एस वन ये समरी आप दिखा सकते। अब मुझे सिर्फ पहले एंट्री वाले को डील करना है, बाकी को मैं बाद में देखूं। एस वन इस फोर में से फर्स्ट प्लेस में इधर प्लेस वही रखूंगा, अब S1 की जगह पे क्या लिखेंगे, X1, सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगी वो इस रो की होगी जो वेरिएबल एंटर होगा, ये वेरिएबल फर्स्ट करें ये लीव होता तो X1 ने इधर आना था, तो सबसे पहले कैलकुलेशन उस रो की होगी, तो ये माइंड में रखिए। अब इस रो की कैलकुलेशन करनी है, मुझे हेल्प वही देगा जो मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था, ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वही हेल्प करेगा। अब ये फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट कॉलम बता सकते हैं किस तरह से दिखाई देगा, बता सकते हैं, बस इसी को देख ले, एस वन को, एस वन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हेल्प कर देगा, S1 कॉलम को देख रहे
ये वैल्यूज है 1 0 0 0, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये 1 0 0 में z के ऊपर भी पता है क्या है, वो भी जीरो है। चलो मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके ऐसे जीरो, ये चाहिए ना आपको, क्यों? आपकी रिक्वायरमेंट है ये जो वेरिएबल्स है, तो ये पहला कॉलम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और z में क्या है जीरो, ये दूसरा कॉलम है सेकंड लेवल पे वन आएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन भी आपको पता है। तो मैं कह सकता हूं कि इधर क्या आना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, देखिए पहला फर्स्ट एलिमेंट है, इट मींस ये कॉलम की फॉर्मेशन होगी, अगर ये होता लीव तो हमें ये फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इधर क्या आना चाहिए और ऊपर नीचे क्या आना चाहिए। ये अभी मैं जबरदस्ती भी कर सकता, क्यों, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये मीट करनी है रिक्वायरमेंट। कैसे करनी है, कैलकुलेशन भी आपके पास मैट्रिसेस आप पढ़ चुके हैं, रो ऑपरेशन ही ये काम कर सकते। अगर आपने कहीं वन लेके आने तो रो ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो सिस्टम को चेंज नहीं करेगा, इक्वली उसको सेम उसी सिनेरियो में सेट कर देगा, ये चीज मानते हैं ना। अब आपने ये ज़िन्दगी रखनी, अब मुझे सिर्फ ये मीट करने और सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर। सबसे पहले हम करते हैं, हमें इधर वन चाहिए, तो आप किस तरह से बना रहे हैं, जैसे ये रेस कर देगा मुझे रो ऑपरेशंस करने, जी आपने फॉर्मूला बनाना है। आप क्या कर रहे हो, ये रो कैलकुलेटर, इस रो का नेम है, प्रीवियस रो का भी नेम है, इस रो का भी नेम है। प्रीवियस रो को क्या कहा था, पिवोटल रो, पिवोटल रो, ये ओल्ड पिवोटल रो, ये भी पिवोटल रो ही बन गई ना, इसलिए आप कैलकुलेट करें ये न्यू पिवोटल रो। तो हम इसको नेक्स्ट इस तरह से क्या करेंगे, ये जो ओल्ड पिवोटल रो है इसको करंट पिवोटल रो कहेंगे, और जब दूसरी उसको न्यू कहें तो करंट मीन ओल्ड, जब भी मैं करंट की बात करूं मीन ओल्ड, तो आपका आपने करंट पिवोटल रो और न्यू पिवोटल रो से इन दो रो से ऐसा रो ऑपरेशन बनाना है जिससे यहाँ पे वन आ जाए। तो अगर आप रो ऑपरेशन के जरिए करोगे इट मींस आप सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करें आपने, यस। अब आपको इधर वन लेके आना है, बड़ा आसान नजर आ रहा है आपको, इसको वन करना है तो आपको पिवोटल एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाए। तो ये फॉर्मूला जनरल अगर देखा जाए तो ये बन जाए। आप कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, न्यू पिवट रो, यही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पर आएगी कैसे, आप इसको सिक्स को इससे डिवाइड नहीं कर रहे बल्कि पूरी रो को डिवाइड करना पड़ेगा, ये कहलाता है रो ऑपरेशन। क्यों, अकेले इसको कर देंगे, आपने तो अपनी जबरदस्ती कर दी ना, गड़बड़ होगी। रो ऑपरेशन होता है कि वो सिस्टम में खराबी पैदा नहीं करता। इट मींस आपका फॉर्मूला ये बनेगा, ये जो पिवट रो है आपने इधर वन लेके आने न्यू लेवल पे, तो सिक्स से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इसको नहीं डिवाइड करेंगे, सारी रो को करेंगे, फिर आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा, न्यू पिवट रो आपकी कैलकुलेट होगी, करंट पिवट रो डिवाइडेड बाय सिक्स, तो सिक्स तो इस समय डेटा है आपका, पिवोटल एलिमेंट, क्यों हर दफा ये जरूरी नहीं सिक्स ही होगा, तो अगर आपने यहाँ पे पिवोटल एलिमेंट, आई थिंक इससे आप बढ़िया सारी सी, और इसको आप कह सकते हो अगर मैं रफ वर्क करना चाहूँ तो न्यू पिवोट रो इक्वल टू 6 4 स्पेसिंग के साथ पूरी रो लिखने लगा 1 0 0 0 डिवाइडेड बाय 6 6 डिवाइड बाय 6 4 डिवाइड बाय 6 1 डिवाइड बाय 6 0 0 0 ये आंसर है।
पॉइंट्स में आप ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इसी तरह स्लैश के साथ लिखें। वो रीजन इसलिए मैं आगे आपको एक्सेल शीट पे भी ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो पॉइंट्स में अगर कहीं आंसर आ रहा है 0.33333, आप वेंड नहीं हो रहा और आप कहीं कंडीशन मीट कर रहे हैं कि ये इक्वल की, तो इक्वल ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो चांसेस हैं कि आप पॉइंट्स में करें। हाँ, मैनुअली आप कर सकते हैं अगर कर लें, कोई इशू नहीं। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस तरह से करें। तो न्यू पिवट वो क्या आएगा, वन, वो मीट हो गया आपको, टू बाई थ्री, उसको सिंप्लीफाई कर वन बाई सिक्स। सॉरी एक और चीज मिस कर गया, राइट हैंड साइड को भी साथ लिया सॉल्यूशन को, क्या था 24, अब डिवाइड बाय 6। ये करंट पिवट रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट। आपको इधर जीरो चाहिए और इधर भी जीरो चाहिए। ये सारे ऑपरेशंस के लिए आप रो ऑपरेशन अपनी तरफ से लगा सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो अनएम्बिगुअस है, जिसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं, वो ये है, यही पिवट रो को हर रो ऑपरेशन के साथ इंक्लूड करें, आपका एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बन जाएगा वो जीरो लाने का। तो कहने का मतलब है आपने कौन सी रो कैलकुलेट कर दी, जीरो चाहिए आपको। जीरो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो गाइडलाइन है वो इस जीरो के लिए, इधर जीरो चाहिए, मैंने कहा था ना पिवट्स 1 0 0 0 और जी में भी जीरो। तो ये हमें गाइड कर रहे हैं कि जीरो चाहिए, ऐसा रो ऑपरेशन लगाए जिससे जीरो आए, तो उसमें यही पिवट रो न्यू जो है ये आपको हेल्प करेगी। अगर इसको रेफरेंस लेंगे, इधर चाहिए जीरो, आपको मैथमेटिक्स आप पढ़ते रहेंगे, रो ऑपरेशन इस माइनस फाइव को इस ये वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, कोई भी सिनेरियो ले सकते हो, माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करें दोनों माइनस फाइव, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कैंसिल होगा। तो फॉर्मूला बनेगा, आप सिर्फ एक एलिमेंट के लिए ये कर रहे हो, ये पूरी रो नहीं है, यानी आपको जीरो चाहिए और आप फॉर्मूला किससे बना रहे हो, गाइडलाइन मिली है, इस माइनस फाइव को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो ये जीरो आएगा। और ये हर एलिमेंट के साथ कर, तो हर एलिमेंट के साथ करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, जेट लाइन। अब मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए, अच्छा मैं फॉर्मूला इधर ले लेता हूँ, कहीं इरेज करूंगा क्योंकि उधर वो वीडियो नहीं है। तो मेरे पास जीरो, तो मैं न्यू जीरो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, और डेटा किसका यूज करूंगा, ओल्ड जीरो का, और ओल्ड जीरो में मैंने करंट जीरो का। तो मैं इस तरह से करता हूं, न्यू जीरो इक्वल टू, बताएं करंट जीरो, करंट जीरो, मैं सारा ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, लिखने में शायद कोई पढ़ा नहीं जा रहा जो ऑनलाइन है, तो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, करंट जीरो माइनस, नहीं इस माइनस फाइव का नाम रखना है, माइनस वाई तो इधर है, जनरल फॉर्मूले में तो कुछ भी हो सकता है इधर। तो ये पिवटल कॉलम है और पिवटल कॉलम में जीरो का कोफिशिएंट है, इसका नाम जरा नोट करें, ये साइड, ये तो पिवटल एलिमेंट था ना, ये क्या है, पिवटल कॉलम कोफिशिएंट ऑफ जीरो, कह सकते हैं ऐसे, बड़ा लंबा नाम, इजी कर लेते हैं, इट्स कर लेते हैं, इट्स मीन जी की बात हो रही है ना, इट्स पिवटल कॉलम, पिवटल कॉलम कोएफिशिएंट, इट्स पिवटल कॉलम को ऐसे कर देते हैं, कोएफिशिएंट को भी ऐसे कर देते हैं, राइट। मैं ये कैलकुलेशन बाद में इधर कर दूंगा, अभी मुझे ये मैं नोट करें, मैं इधर कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ फॉर्मूला लिख के इरेज कर दूंगा। करंट जीरो, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना, उस पिवटल कॉलम कोएफिशिएंट को
पिवोटल जीरो जो न्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करने तो जीरो आ जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी? नो, गुड। यहाँ पे क्या आएगा? बल्कि नहीं, इसका नाम क्या है? ये रो थी, जी कहां से आ गई? ये पिवोटल रो है। मुझे भी साइना बना, बल्कि पिवट का साथ लिखना है न्यू पिवट। आई थिंक फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। अब मैं वो सारा करके दिखाऊंगा। आपने क्या करना है? करंट जीरो सारी लिख दें, माइनस फाइव, माइनस फोर। आज के लेक्चर में ये एक भी हो जाए, क्योंकि यही फॉर्मूला सारे दूसरे कॉलम काफी है। अभी जब 5 मिनट्स रह जाए तो अटेंडेंस में हम चले जाएंगे। अटेंडेंस में लगा माइनस फोर, जीरो जीरो, फोर जीरो, और राइट पे एक और जीरो, माइनस। ये माइनस फॉर्मूले का, क्योंकि सबट्रैक्ट करना था। मल्टीप्लाई किसको करना है? माइनस फाइव, और पिवट रूल है वन टू बाई थ्री, वन बाई सिक्स, जीरो 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 फोर। आई थिंक रो ऑपरेशन क्लियर हो गई। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर दें। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आज साथ ये हो जाएगा माइनस फाइव, आप इनसाइड ले जाए ऐसे कर दें, माइनस फाइव, ये माइनस माइनस टेन बाई थ्री, माइनस फाइव बाई सिक्स, जीरो जीरो जीरो, और इधर क्या आएगा? माइनस फाइव बाई फोर। अब इसको इनके साथ, यहां तो वही चीज है, लिख दो या लिख देता हूं ताकि सिमेट्री रहे। माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव जीरो, माइनस टेन, माइनस फाइव फोर, माइनस वन, ठीक हो गया। अब आप इसको जरा कैलकुलेशन में करें, क्या हो जाएगा? माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव जीरो, माइनस फोर माइनस टेन बाई थ्री। मैं उधर से देख लेता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करें। क्या माइनस टू बाई थ्री, और नेक्स्ट आएगा, देखता हूँ आप फाइव बाई सिक्स, जीरो जीरो जीरो, ट्वेंटी। ये आंसर है। और ये कौन सी है? न्यू जीरो प्लेस कर दी है, इधर प्लेस कर दी है। और देखिए आप इस जीरो के लिए आपने रो रेशो लगाया था, लिखे जीरो माइनस टू बाई थ्री, फाइव बाई सिक्स, जब ये कर लिया। अब मैं लेक्चर यहीं पे रोकूंगा, जरा थोड़ा सा बता दूंगा वो क्या है। बस ये रो ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन स्टेप्स आपको याद रखने। आपका अभी कैलकुलेट नहीं करता, इधर क्या आएगा? वो तो वही रहेगा एस टू एस फोर। आपने देखा आपका बेसिक सॉल्यूशन चेंज हो गया। पहले बेसिक सॉल्यूशन में एक्स वन क्या था? जीरो। एक्स टू क्या था? जीरो। अब बेसिक सॉल्यूशन क्या है? इनको तो आप रहने दें, आप पे तो सेम वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू है ना, तो आपका एक्स वन क्या है? फोर। एक्स टू क्या है? वो जो मिसिंग है वो जीरो है। तो इट मीन्स अगली इटरेशन में आपको पता क्या कैलकुलेट हुआ? एक्स वन फोर, एक्स टू जीरो। तो डायग्राम में हटा दी, ये कॉर्नर पॉइंट फोर जीरो था। आप ऑप्टिमल टेस्ट लगा के अगले कॉर्नर पॉइंट तक पहुंच चुके, और नेक्स्ट जब ये कैलकुलेट हो जाएंगे
अगेन ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे जीरो के अंदर, एक पॉजिटिव हो चुका है, एक रहता है, इट मींस आप ऑप्टिमलिटी की तरफ मूव कर रहे हो, और जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे इट मींस तो आपको अंदाजा हो गया होगा। देखिए इस आइट्रेशंस का कोई गेस नहीं है, यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, गेस इस क्वेश्चन में अगली आइट्रेशन में सॉल्व होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं 11 टू 12 आइट्रेशंस तक चले जाते हैं, सिस्टम बहुत बड़ा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हुए पहले मैं उसको खुद सॉल्व करता हूँ ताकि दो तीन आइट्रेशन में सॉल्व हो जाए, ये ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन को करते रहे, तो वो हमने उसका ख्याल रखना है, लेकिन रियल लाइफ में ये आइट्रेशन चलती जाएंगी। लेकिन सिंपलेक्स मेथड आपको क्या दे रहा है, जो 11 आइट्रेशन में दे रहा है वैसे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से नहीं मिलेगा, ग्राफिकल से तो पॉसिबल नहीं है अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक से ज्यादा है। तो आई थिंक आज के लेक्चर में एक स्टेप और आगे हम चले गए, जस्ट ये देखा है कि ग्रेजुअली हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया और इंटेलिजेंट वे में उस पॉइंट को रीच किया अलोंग द x1 एक्सिस, वो एंट्रिंग x1 में इधर से जाओ, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट यही काम आपने करना है, एंट्रिंग वेरिएबल डिसीजन वो क्या होगा पिवोटल कॉलम, लिविंग वेरिएबल डिसीजन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव इंफिनिटी अगर है तो इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव में मिनिमम रेशियो पिवोटल रो, और आगे रो ऑपरेशंस हैं और कोई स्टोरी नहीं। आई थिंक यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर ग्रेजुअली 3-4 लेक्चर्स में ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे फिर मिनिमाइजेशन को एड्रेस करें, उसमें थोड़े से रूल्स चेंज हैं। देखें एक और चीज, हम S2S3 ये कर रहे हैं, Z के अंदर S1 S2 S3 तो नहीं है, ये देखें Z, अभी देख रहे हैं आप, और ये भी देख सकते हैं ये है ना, ये आपका क्या है 4, ये आपका क्या है 0, 20 प्रॉफिट, टैली कर सकते हैं S1 S2 जो भी आएंगे इसमें वो 0 कोएफिशिएंट के साथ है, तो जो भी वैल्यू दोगे 0 ही रहेगा। यानी ये जो 20 है इसमें x1 और x2 का ही रोल है, वो जी इक्वेशन तो आपकी वही है, तो x1 और ये जो स्लैक वेरिएबल्स हैं इनको हम सेपरेट ट्रीट करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर नहीं है, ये हमने बैलेंस करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं, इसके बारे में इस मेथड के एंड पे इस प्रीवियस क्लास में लगा था, वो कह रहे थे सर ये क्या चीज है, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ चीजें होती है वो दिखाई भी जा सकती, तो मैंने कहा वेट करें एंड ऑफ सेमेस्टर एक और प्रॉब्लम ऐसा लिखेंगे जिसमें ये भी बताऊंगा, और फिर कहूंगा रेडी मिक्स याद है आप इतने रटा लगवा रहे हैं, तो रेडी मिक्स को ही सामने ला के मैं उनको दिखाऊंगा कि एक्चुअली रेडी मिक्स के अंदर क्या है, ये S1 स्लैक अमाउंट है मटीरियल M1 उसको बैलेंस कर रहा है, पहली कंस्ट्रेंट थी ना वो M1 की थी, मटीरियल M1 उसके अंदर एक कुछ ऐड किया हुआ था +1 बैलेंस करने, तो ये अभी इसके बारे में सर एक टैंक के सॉल्यूशन का पार्ट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसका कोई रोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव में हाँ जी की वैल्यू वेरी करेगी, इस वक्त हम एक स्टेप आगे गए हैं जिसमें X1 4 है और X2 0 है अभी ये, लेकिन ऑप्टिमल तो नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव अभी है, इट मींस ये इंटरमीडिएट सॉल्यूशन पे अभी आ पाए, ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है 0 से 0 प्रॉफिट का, 0 से 20 प्रॉफिट तक चले गए, और आपको याद है रेडी मिक्स में ऑप्टिमल प्रॉफिट क्या था 21, मैं फिर कह रहा हूं अब आपको याद, आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूं याद करें, मैं बड़ी आसानी से आपको वो पॉइंट कन्विंस कर सकता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आप प्रॉफिट को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो, 0 नॉट ऑप्टिमल, 20 नॉट ऑप्टिमल, इट मींस इससे भी और ज्यादा प्रॉफिट है, तो इस वक्त X1 4 है और X2 0 है, ऑप्टिमल नहीं है, अगली इटरेशन में जाएंगे X2 भी आएगा और दोनों मिला के देखेंगे 21 और इससे आगे लूप नहीं होगा, इट मींस द ऑप्टिमल, क्लियर पॉइंट। अब अटेंडेंस देखते हैं।